किसे आखिया कौमां दी जिंदगी नू कैम रख दे दान ने दानियां दे किसे ताकत तलवार नू मुख मनिया किसी फलसफे दसे रूहानियां दे वैसे सारियां ही गल्लां चंगियां ने चंगे गुण ने चंगियां निशानियां दे पुरतत सियाणिया कड छड़े कौमा ज्योदिया नाल कुर्बानिया दे कौमा ज्योदिया नाल कुर्बानिया जस मिलता है शुभ कर्मा नाल पर कर्म बनाउने पैंदे ने जस मिलता है शुभ कर्मा नाल पर कर्म बनाउने पैंदे ने जस दिंदा है जो दुनिया नो जस उस दे गाउने पैंदे ने एक उसकी नदर सवली लईओ दिलदार नजराना काफी नहीं मस्ता दिलदार दी रहमत लई सिर पेट चढ़ाउणे पैंदे ने पेरे नूर नाल ही नजारा पासदा खिड़े आरे फुल जीवन हलासदा खिड़े आरे फुल जीवन हलासदा तैनू वड़े आउंदी नित साडी शैली रे मैं क तेरे प्यार दी मना च फैली रे मैं क तेरे प्यार दी मना च फैली रे किड़े यार बोल जीवन हलासदा तैनू वड़े आउंदी नित साडी शैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे समाए रहना साडी सदर है तेरे नाम सदका ही साडी कदर है दाता तेरे नाम सदका ही साडी कदर है विसरी वसारी ना तू बात पहली रे मैं का तेरे प्यार दी मना च फैली रे मैं का तेरे प्यार दी मना च फैली रे कमारी नाल नैन जग दे धरती ते पैर धरती ते पैर ना असां दे लग दे धरती ते पैर ना असां दे लग दे ज्ञान ते सरूर नाल भरी थैली रे मैं क तेरे प्यार दी मना च फैली रे मैं क तेरे प्यार दी मना च फैली रे तेरा ही शुमार सोने
सा तेरे मोदा कुमार सोनिया जिथे वेखा तेरा ही शमार सोनिया दाता जिथे वेखा तेरा ही शमार सोनिया जिवे मगरू मदर चवैली रे महक तेरे प्यार दी मना चवैली रे महक तेरे प्यार दी मना चवैली रे चरण नाच तारो फुल मधु मक्खी चूसे जो गुलाबी बोलनू दाता मधु मक्खी चूसे जो गुलाबी बोलनू वेख मकरंद जेवे जल मैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे मन बिच मौले महब्बतां दी खिच है राधिका दी जान राधिका दी जान जो मरारी बेच है राधिका दी जान जो मरारी बेच है जिंदु तेरे कद मां दे बेच टैली रहे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रहे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रहे तांगा ते प्या संवालिया दाता सिखा दिया तांगा ते प्या संवालिया तैथों दाता मंगा नैदी नेतरैली है महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे तरंग चांदनी ते चंद जो आंगी अंग नचे नूर दाय आनंद जो आंगी अंग नचे नूर दाय आनंद जो बैंका नाही फार जाच अन्न गैली रे महक तेरे प्यार दी मना च फैली रे तेरे प्यार दी मना च फैली रे वाहेगुरु जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र छत्र छाया हेठ गुरद्वारा श्री दशमाए दशमेश दरबार विखे सज रहे अज दे दीवान विच हाजरियां भर रहे सत्कार जो खालसा जीओ आओ सब तो पहला फतेह बुलाइए कृपा करो सरबत माई भाई गजाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साढ़े तो पहला सिख जगत के महान विद्वान अति सत्कार जो भाई साहब भाई दलबाग सिंह जी गुरद्वारा शीशगंज दिल्ली वाले ओ आप जी नाल जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी दे शब्द सिधांत की व्याख्या कर रहे सन उत्थे नाल नाल उन्होंने साढ़े पावन पवित्र गौरवमई इतिहास विचों भी कुछ उदाहरण दे के सिख की जिंदगी नाल ढुकवें प्रमाण दे के उन्होंने सानू सचेत करन दी प्रेरणा दिती है क्योंकि वक्ते का फर्ज हुंदा है उन्हों जदों भी समा मिले वह अपने समय विच अपनी कौम के इतिहास में कौम के सिद्धांत में आए हुए स्रोतियां नाल सांझा करे क्योंकि समा रुकता नहीं है यह लंघ जाता है वह कौम बचदियां ने जिहड़ियां अपने आप नूं संभाल के रखदियां अपने आप नूं बचा के रखदियां ने
ते शरीरक रूप विच वचन नालों भी वध महत्वपूर्ण हुंदा है। अपने फलसफे नूं बचाउणा, अपने सिद्धांत नूं बचा जाणा। नाम जपो, किरत करो ते वंड छको। इहदे विच दुनिया की फलासफी छुपी हुई है। नाम तो बिना अध्यात्मक सुख नहीं है। किरत करन तो बिना तुसी इज्जत की रोटी नहीं खा सकते। और वंड के छकन नाल तुहाडे दिल नूं सुकून मिलता है कि असी कीती हुई कमाई विचों कोई किसे दे हिस्से का कार्ज कर लिया है। और अगला जितना भी इतिहास है वह सारा एदे ते ही खड़ा है। और मैं कल तुहाडे नाल बेनती कीती सी कि 1984 के शहीदां दे यादगार नूं इह समर्पित चल रहे ने दिन। पर इतिहास का विद्यार्थी बड़ा हैरान हुंदा है कि 1984 तो पहला भी दरबार साहब उत्ते अनेक वार हमले हुए ने। और इस तरह के मारू हमले हुए ने जब दरबार साहब दियां बुनियादां विच बरूद के कुप्पे रख के उड़ा दिता जाता रहा दरबार साहब नूं। आखिर की कारण है? क्योंकि जब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इसकी उसारी की, इसकी सिरजना की, तो उन्होंने इनू परमेश्वर का घर कह के सत्कारिया। और ये चार दरवाजे रखे ते मर्यादा गुरु अर्जन देव जी बन गए अपने समय विच। और इन्ना ज्यादा उन्होंने ख्याल रखिया कि सवाए रबी कीर्तन तो दूसरी ये अंदर गल ना हो, जानी कोई ये ना कह सके कि ये तीर्थ स्थान केवल एक कौम का, एक धर्म का, एक मजहब का। इथों तक बोले सौ निहाल का जकारा भी उहदे अंदर नहीं गजाया जाता। कथा का रवाज महाराज ने बाहर पाया, क्योंकि कथा करदियां भी कई बार कथा करन वाला प्रमाण देंदा देंदा अपने धर्म की वडियाई करदा करदा सुते सिद्धी कई बार दूसरे नूं छटिया जाता है। तो महाराज ने यह भी इजाजत नहीं दिती, केवल नरोल कीर्तन की ही इजाजत दिती उत्थे कि हर वेले केवल उस परमेश्वर की सलाह ही होवे। पर इस दे बावजूद भी सब तो पहला अटैक गुरु अर्जन देव जी महाराज के होंदिया ही हो गया। जदों जहांगीर ने कहा कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी पकड़ लिया तो उन्होंने बाल बच्चा बन के ये झूठ की दुकान बंद कर दे। और यही कारण है कि सिख कौम का सब तो पहला डिफेंस किला वह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अमृतसरी बनाना पाया, जिहदा नाम लोहगढ़ रखा गया। मेरिया अखा के सामने मेरे सत्कारयोग पिता समान कौम के महान विद्वान ज्ञानी चूर सिंह जी अज फिर बैठे ने। तो जे मैं गलत ना होवां तां इह पहला किला सी जद साडे सतगुरां नूं श्री दरबार साहिब जी की हिफाजत वास्ते बनाउणा पिया। इथों पता लगता है कि गुरु काल के वक्त ही सतगुरां नूं इस गल का पता लग गया सी कि इहदे ते किन्ने हमले होने। और एक हमला हुंदा सिद्धा, उहदे तों कौम बच जाती है, एक अंदरूनी हुंदा है। जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी तो पहला गुरु तेग बहादुर महाराज और वह अजे प्रगट नहीं सी होए तो उस वक्त प्रबंध मीणिया कोल ते जदों दर्शन करन आए उन्हां नूं दरबार साहब दे अंदर नहीं वड़न दिता। यह अंदरूनी हमला सी, सिद्धांतक हमला इहनूं कहिंदे। किसे कौम दा वह सोमा जिथों कौम नूं रोशनी मिलनी है उहदा प्रबंध उन्हां बंदिआं दे हत्थ च दे दिओ जिहड़े उस स्थान दे उत्ते काबज हो जाण ते उत्थों सच दी रोशनी हौली हौली खत्म हो जाए। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिथे गुरद्वारा कोठा साहिब है उथों बह के चले गए। हद हो गई गुरु अर्जन की जोत, गुरु नानक पातशाह जी की जोत, गुरु तेग बहादुर जी के रूप में दर्शन करने वास्ते आई है, पर प्रबंध सरकार ने इदा का करता और उन्होंने उतों निराश होकर जाना पाया। माइया ने जाके अगे जाके वाले वह सारिया भुलां पछाइया कहानी तुम बड़ी बारी सुनी है। और मैं कई बार जब मुलांकन करना है तो वेना कि अज के युग में भी सरकार इदा कर रही है। जिस औरत ने नूर महलिए पंजाब विच लियांदा, उहदा डेरा स्थापित किया, उहदियां जड़ां पक्कियां कीतियां, उहनूं ही श्री अकाल तख्त वल्लों माता खीवी का खिताब दे दिता जांदा। ते खिताब देण वाला कौन है? अकाल तख्त का जथेदार। और इहदे पिछे सच्चाई की है कि उस वक्त तो लैके अज तक ये अंदरूनी वार भी रहे ने और बाहरी हमले भी रहे ने कि वह औरत जिहदा अकाल तख्त नाल दिली स्नेह कोई नहीं है वह डेराबाद नूं प्रफुल्लित कर रही है ते उहनूं उथों तखलस माता खीवी का दवा दिओ तां कि आम प्रचारिया जा सके कि जिन्हां दे हत्थ विच प्रबंध होवेगा उहनां दी मर्जी मुताबक उथों फैसले होणगे। विरोधियां चाल चली
ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਰਗਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਕ ਸੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਈਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਆ ਗਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ 30 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 12 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਰਕ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਛਤਾ ਪਛਤਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ
ते ओ फेर भी गुरु गुरु जपी जावे, परमेश्वर की बाणी पढ़ी जावे, इथों हिसाब लाओ भी उन्हां सिंघणियां दा सिर किहो जिहा होवेगा। अज असीं बड़ियां गल्लां करदे हां, जद साडे बच्चे जन्म लैंदे ने चंगा स्कूल पालदे हैं और चंगी यूनिफॉर्म ला के दें, हर उन्हां वास्ते करना चाहिए, पर कोई विरली माँ है जिहड़ी अपने बच्चे के कन्नां विच जपजी साहब का शब्द भी पाउंदी है, और विरली माँ है जिहड़ी खुद बच्चे के सामने जपजी साहब का पाठ करती है। लेकिन वह धन सन मावां जिन्हां पुत्रां दे टोटे गल विच पवा लै। ते मीर मनु ने आख्या, रात नूं इन्हां नूं अरदास करदिआं सुणियो, भला अपने गुरु ते शिकवा करदियां है, रोंदियां की करदियां है। ते सीआईडी वाले ने आण के दस्या कि काल कोठड़ियां दे विच्चों आवाज आ रही सी, हे सच्चे पातशाह दिन तेरे हुक्म विच बड़ा वधिया लंघ गया, रात भी तेरे हुक्म विच बतीत हो जाए। कारण उन्हां कोल ज्ञान सी, बाणी पढ़ी नहीं सी कल्ली जां सुनी नहीं सी, कमाई सी भी ये बच्चा जिहड़ा सी पैदा कीता है, जे इहनूं दुश्मन ना भी मार दे तां किसे ना किसे दिन इहने मर जाणा सी अपने समय दे नाल। हुण इन्हां बच्चियां दे डुल्ले होए लहू विच्चों एक हिस्टरी जन्म लएगी, एक तवारीख जन्म लएगी, और जदों ओह तवारीख नूं सुणगियां आउण वालियां साडियां मावां भैणां, ते ओह अपने बच्चियां नूं उस तवारीख नाल जोड़ के जाणगियां, और उन्हां दे बच्चे कदे सिक्खी छड के दूसरे दायरे विच नहीं जाणगे। ये निक्के निक्के बच्चे एक वड्डा इतिहास सिरज गए। और मैं तुहानूं इह वी गल कही सी कि 18 दिन का बच्चा ब्लू स्टार च शहीद हुंदा, वह गोली किसी होर नूं भी लग सकती सी, पर इतिहास बनना सी कि गुरु घिओ सिखो। तुहाडे कोल 90 साल का बाबा मनी सिंह भी है, तुहाडे कोल 18 साल का मासूम शहीद वह भी दरबार साहब का है, और तुहाडे कोल अजय सिंह भी है। ये और इतों तक आपां कहने मीर मनू नूं। हुण इत्थे एक औरत है, कुछ 55 सिंह कार सभा वाले महापुरखों ने भेजे से संत जरनैल सिंह को, जब फौजी अजे तैयारियां ही हो रही सी भी इन्हां दी लोड़ पई ते इन्हां नूं वरत लिओ, वो लंगर साहब वाले मोर्चे तो लड़े। उत्थे एक सिंह ने अखी वेखी गल दसी कि एक परिवार दो जीत एक उन्हां दा बच्चा दर्शन करन आए सी, चलो पाणा वापर गया। सिंह साहब नूं गोली लगदी है तां ओह इस्त्री अपने बच्चे नूं लै के तुरदी है, ते सिंह साहब नूं इह कहिंदी, सरदार जी इह मौत आ ते जाणी सी, पर तुसीं गुरु रामदास जी दे दर ते प्रवान होए हो, तो मैं चली आं। अजे उठ के उह 10 गज जांदी है, एक गोली फौजी दी आउंदी उहदे बच्चे नूं लग जांदी है। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 84 ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। एक सब तो प्रमाणिक किताब है, मैनू डेल्टे कबीर ने कहा भी ब्लू स्टार नू जानन वास्ते किन्नू किन्नू पढ़िए, उहदे विच मार्क टली है, उहदे विच बराड़ है, उहदे विच ज्ञानी कृपाल सिंह जी सिंह साहिब, उन्हां भी बहुत सारिया किताबां मार्केट विच ने। तो मैं उन्हां नू कहा सी भी एक किताब, एक उत्थे सेवादार वजो ड्यूटी करदा सी उहने लिखी है, वह जरूर पढ़ी, क्योंकि उहने ब्लू स्टार नू नेड़ों वेख्या। उदों गर्मी सी, टेंकी टुट गई, जिहड़ा लंगर दियां वह जूठे बर्तना का पानी सी वह नालियां विच दी जिधर नूं जांदा सी उत्थों दो दो घुट पानी पी के गर्मी विच लोकां ने प्यास बुझाई, और क्योंकि फौज ने उन्हां नूं फड़ के निर्दोषियां नूं बिठाया होया सी उत्थे। वह कहिंदा सी गए तो मैनूं मुड़ के एक भाई कन्हैया उत्थे दिसिया। भाई कन्हैया की डेफिनेशन तुसीं जानदे हो कि सारिआं नूं पानी पैया। वह भाई कन्हैया कौन सी? पंजाब पुलिस का सरदार अपार सिंह DSP बाजवा। उन्हें नहीं परवाह की आर्मी नाल, वह लड़ के अंदर लंघ आया, एक गल 5 जून की, अंदर लंघ आया और उन्हें बाल्टी तो मग लिया, तो पानी लैके उन्हें सारे आख्या, खालसा जी रज के पानी नहीं पीता जाना, तो मैं सारे तेन दो दो घुट दिना, तो ये अपनी प्यास बुझा लियो। वह जोगिंदर सिंह अज भी जिंदा, हुण रिटायर हो गया, तो वह कहिंदा मैं वेख्या भी मुड़ के भाई कन्हैया आ गया, वह गुबर दियां गोलियां च पानी पिंदा फिरदा सी। ये वह अपार सिंह है जिन्हें संतां दी देह दा संस्कार किया बकायदा सिख मर्यादा नाल, और फौजियों के सामने अड़ गया सी। वह कहिंदे देश दा गदार है, इहनूं इस तरह संस्कार करन दा हक नहीं देना चाहिए जिस तरह तू कर रहा है। उन्हें कहा तुहाडियां निगाह दे विच इह देश दा गदार होवेगा, बागी होवेगा, पर सिख कौम वास्ते इह महान हीरो है संत जरनैल सिंह, इस करके इहदा संस्कार मैं करांगा। वह इन्नी चिट्टे दिन की सच्चाई के बावजूद भी असीं 20 साल यही नहीं मन्ने भी संत जरनैल सिंह शहीद हो गया। तो इत्थों पता लगदा
लगता है कौम की लीडरशिप किन्नी कमजोर सी, लेकिन उत्थे शहीद होने वाले किन्ने दलेर सन। तो खैर आओ अपनी कहानी ते चलते हैं। मीर मनू ने बहुत जुल्म किए, आप कल बेनती की, सुन वेखी इतिहास की अखराएं कि इन्ने जुल्म करने वाला बच सकता है। एक पासे इस्त्रियां औरतां धर्मन और देवियां अरदासां कर रही सन, महाराज सानू कोई दुख नहीं, ये बच्चे अज भी तेरे से कल भी तेरे है। तो सिंगा नू पता लगा एक वड्डा जथा उन्हां सिंगणियां नू छडाउण वास्ते अटैक करता है, पर हाले वह मुल्लांपुर पिंड विच बैठा है। तो मीर मनू नू पता लग जाता, मीर मनू उन्हां नू अगल वांडे जाके रोकण लग पैंदा है। इत्थे कहानी बड़ी जिहड़ी है वह गुरदेव पातशाह की कृपा नाल बदल जाती है, जां इंज कह लो कि जुल्म दे खिलाफ हो जाती है। और उत्थे कमाद का एक चक सी, सिंह उहदे विच अपना अड्डा बना के बैठे सी, रात नूं उन्हें अटैक करना सी, सिंघणियां नूं जिहड़ियां बच्चियां छड़ा लियाईए। मीर मनू नूं हंकार सी, उह खुद कमांड करके उन्हां नूं मारन वास्ते गया, अंदरों ते बाहरों गोली चलन लगी, कमाद दे विच्चों दी लंघदी गोली उहदी आवाज़ शर्र करके इन्नी भयानक होई, उह घोड़ा नवां सी डर गया मीर मनू दा। और जिहड़ा कहिंदा सी वी मैं इन्हां दीआं जड़ां मका देणियां, इन्हां दा सर्वनाश कर देणा सिख कौम दा, वह घोड़े तो डिग पिया, तो घोड़ा अथरा सी, वह खलोता नहीं, इहदा पैर इहदी रकाब विच अड़ गया। जिवें जिवें घोड़ा भजदा सी तिवें तिवें इहदीआं हड्डियां चूर हुंदीआं सी, जिवें इह पापी अपनी आ गर्दन तड़ा के ते धोईंदा धोईंदा इस घोड़े दे मगर मर गया जालम दी मौत। और सारा सीन इस कविता विच इउं बयान कीता जा रिहा। मनू हंकारी ने कीता गैरत करी तैयारी, तीर तलवारा ले होके तुरे ने लै शुसकारी, खुशियां नाल कुदण पे होए दाद तबेलो घोड़े, कोले दरियावां दे वगदे वैर कदे ना मोड़े। हंकारी ने कीता हुक्म ते करी तैयारी, मीर मनू नू न
दे हुए मनूंगा सीगा पैर रखा पे फसिया क्या दूर ती कतू ही कोड़ा नहीं रुकिया जरवाना न तो माई सिर्फ सिया आखिर छड़ गया भोर न माड़ा इस तरह खालसा जी ए पापी मर गया पर एदे नाल इस तो भी बुरी हुई एदे जेडे छपाई सी उन्हां एदी लाश ते कब्जा कर लिया क्योंकि उन्हां दी पिछले तीन चार महीने की तनखा रहिंदी सी उन्हां आख्या असीं लाश नहीं दफनाउण देनी जद तक सानू तनखा ना मिले जानी मरे की मिट्टी भी खराब हुई एदी बेगम जिन्हों मुराद बेगम भी कहा जाता मुल्तानी बेगम भी कहा जाता तो इन्हें बड़े बुरे तरह गहना गट्टा वेच के कित्यों ना कित्यों करजा चुक के 3 लाख रुपया छपाइया दिता फिर जाके उन्हें यदि लाश दिती ते फिर उन्हें इन्हों दफनाया इको ही एदा पुत्र सी ओ 3 साल कुछ महीने की आरजू भोग के लाहौर ही मर गया एदी मौत नवंबर 1753 विच हुंदी है और इस तो जल्दी बाद इको ही पुत्र जिन्हों कुछ महीने गवर्नरी का थोड़ा जा माण भी प्राप्त होया क्योंकि दिल्लियों जेडे आर्डर आए सी उहदे विच कहता भी उहदा जद्दी पुश्ती है तो बच्चे नूं गवर्नर बना दिओ पर किन्ना चिर अखीर उहनूं कोई बीमारी लग गई वह मर गया और वह रोंदी फिरदी सी बेगम ते लोकी कहिंदे सी मीर मन्नू नूं उहनां बच्चियां दा सराप लगा है जेडे सिखां दे निर्दोष निक्के निक्के दुध चुंघदे मासूम इहने लिया के इत्थे मारे ने उहदा कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा जिहड़ी उहदी बेगम सी मरी वह भी बाद विच ज्ञानी जी बैठे ने पर उहदे उत्ते बद अखलाकी दे इन्ने दाग लगे लोग उहदा नां लैणा भी बुरा समझदे सी ते इक औरत वास्ते सब तो वड्डा कलंक यह हुंदा है उहदे करैक्टर उत्ते कोई इहो जिहा दाग लग जाए लोग उहदे औगणा की चर्चा करन लग पैण इस तरह इहदा पूरा खानदान तबाह हो गया जिहड़ा कहिंदा सी मैं सिखां दा खानदान जिहड़ा है वह खत्म करके ते फिर सा लैणा एक नहीं बहुत सारिया एग्जाम्पलां दित्तियां जा सकदियां जिहदे विच खालसे दे उत्ते जैंज कह लो दरबार साहब दे उत्ते जिन्हें जिन्हें भी हकूमत दे नशे विच अन्या बोलिया हो के इस तरह दे कहर किते जुल्म किते उन्हां दा हशर अंत नूं माड़ा हुंदा रहा हुण मैं तुहाडे नाल गल सांझी कर रहा सां भी इह तां मर गया इस तों बाद कई गवर्नर आए कई चले गए लेकिन सिंह इन्हां दिनां दे विच ताकत फड़दे गए और दिन रात वह अपनी ताकत नूं वधाउंदे गए क्योंकि उन्हां नूं पता सी जद तक असीं अपनी ताकत नहीं वधाउंदे तद तक इन्हां जुल्मी सरकारां नाल टक्कर लैणी बड़ी औखी होवे और 11 हमले अबदाली ने साडे देश ते कीते है जिहड़ा बंदा इतिहास नूं थोड़ा ध्यान नाल पढ़दा है उन्हूं इस गल का पता भी किहड़ा हमला कदों होया किस हमले विच उन्हें टक्कां बदियां कदों छड़ाइयां कुछ अटैक उहदे इस तरह दे जिन्हां विच ये टक्कां वाली गल बिल्कुल नहीं आउंदी पहले विचों हार के जांदा दूजे 2 लाहौरों मुड़ जांदा है और जिहड़ा 4था हमला है इस हमले विचों मथुरा तक जांदा है और उदों होलियां दे दिन सी दिल्ली लुट के मथुरा तक पहुँचदा है तो मथुरा नूं बड़ी बुरी तरह लुटदा है इस तो अगे उहदा निशाना वधन दा सी पर उहदी फौज ने विच बीमारी पै गई उन्हें कहा चल पिछे नूं चलीए फौज की बगावत तो डरदा है ये पिछे नूं मुड़दा है तो इस हमले विच ये बहुत सारिया औरतां बन के नाल लै जांदा जिहड़ियां खालसे ने छडाइया और इहदा गुस्सा इन्हें फिर कढ़िया अपने पुत्र तैमूर नूं हाकम थाप दिता और जहान खान नूं उहदा नायब थाप दिता और इन्हें आख्या सिखां दा जिहड़ा दरबार साहब है उहदे ते कब्जा करके और उत्थों जिहड़ी इन्हां नूं रोशनी मिलदी है वह खत्म कर दे
और एक ट्रैक तो बाद दूजा ट्रैक, दूजे तो बाद तीजा ट्रैक। हुण जहान खान ने चार सफेरे आपदे फौजी पहरे ला के इत्थे बिल्कुल मर्यादा जिहड़ी सी ओह खत्म कर दित्ती, और अमृतसर दे दुआले फौज ही फौज दिसदी सी, किसे नूं अंदर इशनान करन दी जां दर्शन दीदार करन दी इजाजत नहीं सी। उस वक्त कौम दे महान जरनैल जंग युद्धां विच रुझे हुए सन, ते बाबा दीप सिंह जी ये तलवंडी साबों की विखे सच्चे पातशाह महाराज जी की गुरबाणी लिख रहे सन, पढ़ रहे सन, ते प्रचार रहे सन। और इतिहास कहिंदा एक गुरु का सिंह उन्हां कोल उत्थे पहुंचिया, उस वेले उन्होंने कलम रख दिती ते तलवार चुक ली। कारण उन्हें उस आए हुए सिंह नूं पुछिया भी किस काम वास्ते आया है। उन्हें आख्या बाबा जी सब तो वड्डी मारू सट साडे दरबार साहब उत्ते हमला है, और अहमद शाह अबदाली का थापिया होया जरनैल जहान खान वह मस्से नूं भुल बैठा है, वह लखपत राय नूं भुल बैठा है, पिछलियां भुल्लां नूं भुल के उन्हें यह नहीं पता कि इस दरबार साहब उत्ते अटैक करन दा हशर की हुंदा है, इहदा नतीजा की निकलदा है। इस करके उन्हें उत्ते बुरी तरह तबाही मचाई हुई है। बाबा दीप सिंह जी सुन रहे हैं, और दरबार साहब जी की बेअदबी की खबर वह गुरु का लाल जिवें कली कली खबर बाबा दीप सिंह जी कौम के महान जरनैल नूं दे रहा, इउं बेनती की जा रही। दसी हर मंदिर दी सिंगा वारता, हदों वध कैर पापी ने गुजारता, दुखा वाले साके हुंदे ना बयान ने, सिंगो आप चुक लई जहार खान ने। दसी हर मंदिर दी सिंगा वारता, हदों वध कैर पापी ने गुजारता, दुखा वाले साके हुंदे सिंगोया चुक लई जहान खान ने। सारे
सो इस तरह भी श्री दरबार साहब के हमलों का यह लड़ीवार इतिहास है। वक् वक् समय वक् वक् नाम बदल के हमलावर इस नाम बाणी के सोमे नू खत्म करन दा यतन करते रहे, पर सिंह जाना वार के इहदी राखी करते रहे। जिथे रूहानी उपदेश की गल है उत्थे किसी भी कौम का कोई भी बंदा इत्थे सीस झुका के वह दात प्राप्त कर सकता है। जिथे इहदी राखी का संबंध है उत्थे जदों भी किसी ने अटैक किया उदों खालसे ने उहदे कोलों बदला जरूर लिया, भावें वह किसी भी रूप में किथे भी जाके क्यों ना लुक गया होवे। कुछ गल्लां सीना पसीना गलत भी प्रचारियां जांदियां ने, वह भी आपां नाल नाल मसला हल करांगे कि दरबार साहब के उत्ते अटैक करने वाले नूं किन्ने किन्ने ठीक समय बाद गुरु के लाल सौदा लाउंदे रहे। सो इत्थे ही हुण समय की समाप्ति है। धन्यवाद है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा मैनेजमेंट कमेटी, गुरु की संगत, और जिथे ज्ञानी झूठ सिंह जी सिख जगत के महान ढाडी इत्थे तुहाडे कोल रह के सेवा कर रहे हैं, और वह साडा हौसला अफजाई करने वास्ते आए ने। सरदार गुरदेव सिंह जी गुरद्वारा सुख सागर तो, होर दूर दरेडे टोरंटो तो बीबी इंद्रजीत कौर जी जिहड़े लाइव प्रोग्राम रोजाना ही सुनते हैं, और साडे बटाले दे कोल पिंड कंडियाल है, बहुत ही सेवा भावना वाला वह नगर है। बाबा जी दे डेरे असीं सारे एक दूजे नूं मिलते रहे उत्थे, तां उन्होंने लाइव दौरान प्रोग्राम सुनिया और उत्थों असीसां भेजे हैं। सरदार मोहन सिंह जी नवां शहर वाले, मखण सिंह जी नवां शहर वाले, तो जे माता इंद्रजीत कौर जी सुनते हो तो मैं उन्होंने तह दिलों धन्यवादी हाँ, क्योंकि उदों असी नवे नवे क्विशर बने से, तो जब असी दुआन ला के बाहर निकलना तो माइया सेवा कर दियां होंदियां सी लंगर च, उत्थे मैं बाबिया ने मैक लाया हुंदा सी, तो इन्होंने बाद विच आण के सानू बड़ियां असीसां देणियां भी तुहाडा सुनिया प्रसंग सतगुरां दा इतिहास सानू बड़ा चंगा लगा। तो महाराज जी दे वर होने ना माइया रब रजाइया, तो माता इंद्रजीत कौर जी उन्हों का तह दिलों धन्यवाद। आओ हूँ अगला जोड़ा प्रोग्राम है ज्ञानी हंसा सिंह जी जवंदा, ज्ञानी बूटा सिंह जी और मलेरकोटले वालिया बीबिया का ढाडी जत्था, बीबी बलजीत कौर जी एम ए, बीबी दलजीत कौर जी एम ए, जेडे आप जी की सेवा में हाजिर होंगे। साडे जत्थे नाल फतेह बुलाओ, जिहड़ियां भुल्लां होईयां उन्हां दी खिमा। दरबार साहब उत्ते हाए हमलों का लड़ीवार इतिहास 1984 तक किन्ने होए किवें होए तो कदों होए एक कल फिर आपां इत्थों लड़ी आरंभ करांगे। आओ बीबियां दे ढाडी जत्थे नूं सरवण करिए, फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।